वेलकम टू ड्रीम केबीसी जिक्के। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर झारखंड राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, बाद में उसका आंसर आपको बताओ तो आप वीडियो पोस्ट करके उसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पूरे 500 क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप बीच बीच में बोरिंग हो जाते हो तो दोस्तों वहीं से वो वीडियो आप पॉज करके दूसरे दिन वहीं से आप वीडियो देख सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन पे आप डाउट हो तो उस क्वेश्चन का नंबर और उसका वो पूरा क्वेश्चन लिखिए और आपका जो आंसर आपने जहाँ पे बुक पे पढ़ा हो वो आप वहाँ पे कमेंट कर देना ताकि मैं एक बार वो चेक करके अब वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर दूंगा करेक्शन में। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आप एक बार कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना ताकि आपका कोई भी एग्जाम में सिंगल मार्क्स डिडक्ट ना हो हमारी वजह से। दोस्तों तो कृपया जो भी हो फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का 15 नवंबर 2000 में हुआ था झारखंड राज्य का गठन। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का कैपिटल कौन सा शहर है? इस क्वेश्चन का उत्तर रांची शहर है झारखंड राज्य का कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का जमशेदपुर है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? क्वेश्चन का 24 जिले हैं वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का वर्ष 2000 में हुई थी झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी उच्च न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन का पार्थ खन्ना झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी न्यायाधीश थे, उच्च न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन का विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन होते हैं रांची में स्थित है झारखंड उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे झरना एवं जलप्रपात होने के कारण किसे झरनों का शहर भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन होते हैं रांची को बहुत सारे झरना एवं जलप्रपात होने के कारण झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का आकार कैसा है? इस क्वेश्चन होते हैं चतुर्भुज आकार है झारखंड राज्य का। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन होते कोयला, हेमेटाइट, लोह अयस्क, मैग्नेटाइट, लोह अयस्क, ताम्र अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना क्ले, ग्रेफाइट पाए जाते हैं मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 12, 1757 ईस्वी में ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद सिराज उद दौला को अंग्रेजों ने झारखंड के किस क्षेत्र से पकड़ा था? इस क्वेश्चन का उत्तर राजमहल से पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर श्री बाबूलाल मरांडी जी थे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का हिंदी भाषा है झारखंड की राजकीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? इस क्वेश्चन का प्रभात कुमार, श्री प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा प्राणी है? इस क्वेश्चन का उत्तर हाथी है झारखंड का राजकीय पशु। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर पलाश है झारखंड का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का राजकीय पेड़ कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर साल झारखंड का राजकीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोयल
झारखंड का राजकीय पक्षी है? क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का क्षेत्रफल क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से है? क्वेश्चन छऊ, सरहुल, जाट जटिन, कर्मा डांगा, सोहराई झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की प्रमुख नदियां कौन सी है? दामोदर, संघ, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सकरी झारखंड की प्रमुख नदियां है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? क्वेश्चन कहते हैं दामोदर नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड नदी की सहायक दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? क्वेश्चन कहते बराकर, कोनार, जमुनिया, नूनिया और साली नदी दामोदर नदी की सहायक नदियां है, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 25, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन कहते 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दामोदर नदी को झारखंड में अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन देवनद नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड की कौन सी नदी परियोजना अमेरिका की टेनिसी घाटी परियोजना की तर्ज पर निर्मित है? क्वेश्चन का उत्तर दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका की टेनिसी घाटी परियोजना की तर्ज पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 29, दामोदर नदी झारखंड के किन जिलों में बहती है? क्वेश्चन हजारीबाग, गिरडीह, धनबाद जिलों में बहती है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? क्वेश्चन का हुगली नदी में विलीन हो जाती है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? क्वेश्चन का झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 32, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन चूला पानी, चंदवा, तोरी, लातेहार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड से निकलती है दामोदर नदी, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की सीमाएं अन्य किन राज्यों से लगती है? क्वेश्चन कहते हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों से लगती है झारखंड की सीमाएं, पड़ोसी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या क्या है? क्वेश्चन धान, ज्वार, बाजरा झारखंड का प्रमुख कृषि उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से है? क्वेश्चन हुंडरू जलप्रपात, हिणी जलप्रपात, राजरप्पा, पारसनाथ जैन मंदिर आदि झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? 14 है झारखंड में लोकसभा की सीटें। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है? क्वेश्चन कहते हैं 6 है झारखंड में राज्यसभा की सीटें। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में कनाडा बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन कहते हैं मयूराक्षी नदी पर है झारखंड में कनाडा बांध। क्वेश्चन नंबर 38, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन कहते हैं बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड राज्य में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? क्वेश्चन उत्तर है साहिबगंज जिले से, एकमात्र झारखंड के साहिबगंज जिले से गुजरती है गंगा नदी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 41, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? क्वेश्चन कहते हैं चतरा जिले में है लावालौंग अभयारण्य झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन कहते हैं गिरडीह जिले में स्थित है झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 43, दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है?
इसके पूर्व सिंहभूम जिले में स्थित दलमा गज अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? साहेबगंज जिले में स्थित है झारखंड में फॉसिल पार्क। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में सोनौत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में झारखंड में सोनौत संथाल समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है झारखंड में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 47, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी, ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 48, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? कार्तिक उराव के नेतृत्व में हुई थी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 49, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 22 मार्च 1767 में घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, संख नदी का उद्गम झारखंड में कहाँ है? इस क्वेश्चन के गुमला जिले में है संख नदी का उद्गम झारखंड में। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन को हमने कवर किया है, हमने पूरा मेहनत करके बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। दोस्तों आपको आपकी आने वाली सभी एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमने बहुत ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हमने कवर किए जो आपके पिछले 5 साल में या 10 साल में ज़्यादा पूछे गए एग्जाम में, वही क्वेश्चन है इस वीडियो में। दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जब भी कोई आपकी कोई भी जो भी एग्ज़ाम देने जाओ तब एग्ज़ाम उस टाइम पे पूरा वीडियो जिसमें जो भी कमेंट बॉक्स में एक बार चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है 500 क्वेश्चन है उसमें कोई क्वेश्चन आप हमसे कोई गलती भी हो गई हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई लॉस ना हो। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सअप में स्टडी में शेयर करना ताकि कोई ज़रूरत ना स्टूडेंट की वीडियो हेल्पफुल हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सोमा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने सोमा मुंडा को अपनी आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। क्वेश्चन नंबर 52, जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? इस क्वेश्चन का दूसरा राज्य है जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड भारत का। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का दामोदर एवं बेड़ा नदी पर स्थित है झारखंड राज्य में रजरप्पा। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड धाम कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन गिरडी जिला धनवार में स्थित है झारखंड धाम। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड धाम किस देव का प्रसिद्ध मंदिर है? इस क्वेश्चन भगवान शिव महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है झारखंड धाम। क्वेश्चन नंबर 50, बैजनाथ धाम कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के देवघर में स्थित है बैजनाथ धाम। क्वेश्चन नंबर 57, देवघर अन्य किन नामों से जाना जाता है? इस क्वेश्चन होते बैजनाथ धाम या बाबा धाम नाम से जाना जाता है देवघर। क्वेश्चन नंबर 58, देवघर की यात्रा यानी बैजनाथ की यात्रा किसके दर्शन के साथ संपन्न होती है? इस क्वेश्चन के वासुकीनाथ के दर्शन के साथ बैजनाथ की यात्रा संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? इस क्वेश्चन का मुंडू में स्थित है झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन का लोहरदगा जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक की जाती है लोहरदगा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1913 में झारखंड लोहे इस्पात के उत्पादन शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना झारखंड में कब हुई थी? 1937 में एल्यूमिनियम उद्योग की झारखंड में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC कहाँ स्थित है झारखंड में? क्वेश्चन रांची के निकट हटिया में के पास स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 60, HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है?
इस क्वेश्चन का उत्तर सोवियत यूनियन देश के सहयोग से लगाया गया HEC हैवी इंजीनियर कॉपरेशन। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय क्षेत्र के जीव झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर पारसनाथ पहाड़ में पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र के जीव। यहाँ पे 64 नंबर का आंसर सोवियत यूनियन रूस आता है। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इस क्वेश्चन का रांची में की जा रही है, झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड राज्य के बोकारो में इस्पात कारखानों में लो अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? क्योजर खान से की जाती है, झारखंड राज्य के बोकारो के इस्पात कारखानों में लो अयस्क की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 68, फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? क्वेश्चन का पूर्व चिकोस्लाविया देश की संयोग से स्थापित किया गया है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना। क्वेश्चन नंबर 69, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? क्वेश्चन बराकर नदी पर स्थापित है तिलैया जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड को भारत का रूस प्रदेश क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है इसके झारखंड राज्य का रूर प्रदेश, यहाँ पे रूर प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन 1872 में हुई थी झारखंड में पहली जनगणना। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? इस क्वेश्चन 73% खनिज संचित है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? इस क्वेश्चन 2009 में की गई थी झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस क्वेश्चन 2001 में की गई थी झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी स्वायत्त परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन 1995 में की गई थी झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड के किस नेता को दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर शिबू सोरेन को दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 77, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में प्रचुर मात्रा में की जाती है? इस क्वेश्चन का उत्तर पलामू जिले में प्रचुर मात्रा में की जाती है मसाले की खेती। क्वेश्चन नंबर 70, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है झारखंड में? इस क्वेश्चन का उत्तर कोडरमा जिले में स्थित है झारखंड में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन उत्तर रांची में स्थित है झारखंड में बिरसा भगवान जैविक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 80, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित घोषित किया गया था? क्वेश्चन 1974 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ है? क्वेश्चन कोडरमा में झारखंड में अभ्रक की खान, कोडरमा में झारखंड में अभ्रक की खान। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसके 5 मार्च 1949 में की थी झारखंड पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन है? इसके विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? इसके 15 नवंबर 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कौन है? इसके शिबू सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। क्वेश्चन नंबर 86, बेदिया जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर हजारीबाग जिले के बरकाकाना क्षेत्र में निवास करते हैं बेदिया जाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 87, गोनोंग किस जनजाति के वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का हो जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है हो। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड का सबसे बड़ा ताजे पानी का मछलीघर कहाँ है? इस क्वेश्चन रांची में है झारखंड का सबसे बड़ा ताजे पानी का मछलीघर। क्वेश्चन नंबर 89, निकल बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर झारखंड निकल बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य। क्वेश्चन नंबर 90, जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन का उत्तर हॉकी से है
जयपाल सिंह मुंडा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष अम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे? इस क्वेश्चन का 1928 अम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 92, 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन उत्तर, रांची जिले के खूंटी सब डिवीजन में तपकरा गांव में हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का जन्म। क्वेश्चन नंबर 93, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन 1938 में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, 1952 में झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन उत्तर, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था 1952 में झारखंड पार्टी का गठन। क्वेश्चन नंबर 95, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन, ननी गोपाल मुखर्जी द्वारा किया गया था जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड में मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? क्वेश्चन उत्तर, महादेव से मंडा पर्व का संबंध। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड में पहला वृत्त चित्र कब बनाया गया था? क्वेश्चन 1954 में झारखंड में पहला वृत्त चित्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड में कर्मा क्या है? क्वेश्चन उत्तर, लोक नृत्य है झारखंड में कर्मा। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन उत्तर, 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड में गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? क्वेश्चन उत्तर, राढ़ू नदी पर है झारखंड में गौतम धारा जलप्रपात। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 101, कुड़ुक उराव किस भाषा परिवार की भाषा है? इस क्वेश्चन का उत्तर, द्रविड़। तो कुड़ुक उराव द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 102, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब छोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1870 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर छोड़ा गया था। बिरसा मुंडा, जिसे झारखंड में धरती आबा या धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, झारखंड के भगवान के रूप में इनकी पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, जरिया में 1929 में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे जरिया में 1929 में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 104, 1920 में जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने किसके नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की थी? क्वेश्चन का उत्तर, एस एन हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में 1920 में अखिल जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? इस क्वेश्चन का 21 सितंबर 1998 में बिहार विधानसभा द्वारा पृथक बिहार विषयक प्रस्ताव वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर, 22 जुलाई 1997 में। तो बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 107, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर, रामगढ़ में हुई थी, झारखंड में रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108, झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर, झारखंड में की गई थी, झारखंड में रामगढ़ में की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 109, 1938 में किसने टाटा वर्क्स यूनियन नाम से अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर, प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 1938 में टाटा वर्क्स यूनियन नाम से अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 110, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी।
झारखंड समन्वय समिति के संयोजक थे। क्वेश्चन नंबर 111, विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ है? झारखंड में। इस क्वेश्चन झारखंड के टोरी में है विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 112, 1928 ईस्वी में किसके द्वारा वनांचल राज्य की मांग की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 18 जिलों के वनांचल राज्य की मांग 1928 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का 9 अगस्त 1995 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114, रामगढ़ का कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामांकन किसके नाम पर किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर, बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य द्वार का नामकरण। क्वेश्चन नंबर 115, दुमका का हिजला मेला झारखंड में किस नदी के तट पर लगता है? पारंपरिक सांस्कृतिक मेला है झारखंड का। इस क्वेश्चन का उत्तर है, मयूराक्षी नदी पर लगता है दुमका का हिजला मेला झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 116, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान झारखंड में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान झारखंड में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड में 1914 ईस्वी में किसने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? इस क्वेश्चन का जतरा टाना भगत, जो 1913-14 में हुआ था शुद्धि आंदोलन, जो जतरा टाना भगत के नेतृत्व में किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 118, झारखंड के किस जिले में मैथन जल विद्युत केंद्र स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है, धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119, चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है, हजारीबाग में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर, रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। क्वेश्चन नंबर 121, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर, 1960 में हुई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 122, भारत की कौन सी पवित्र नदी साहिबगंज जिले में बहती है? इस क्वेश्चन का उत्तर, गंगा नदी। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी साहिबगंज एकमात्र झारखंड के साहिबगंज जिले में बहती है। क्वेश्चन नंबर 123, पुलिस मैनुअल झारखंड में किस वर्ष लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर, 1861 पुलिस मैनुअल झारखंड में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर, 1980 में हुई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 125, कृषि उत्पादन में झारखंड का सर्वाधिक विकसित व समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर, पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। कृषि उत्पादन में झारखंड का सर्वाधिक विकसित व समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? इस क्वेश्चन का 77% भूभाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। क्वेश्चन नंबर 127, किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है झारखंड में? इस क्वेश्चन का लोहरदगा, तो झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड में किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? इस क्वेश्चन का धारवाड़ युगीन, तो झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, चांडिल जल विद्युत योजना झारखंड में किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का स्वर्ण रेखा नदी पर है चांडिल जल विद्युत परियोजना झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 130, राजमहल ट्रेप झारखंड में कहां स्थित है? इस क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है राजमहल ट्रेप झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 131, राजमहल ट्रेप की औसतन ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का 400 मीटर ऊंचाई है राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है?
कृषि 363 463 किलोमीटर है झारखंड राज्य की पूर्व पश्चिम लंबाई। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का 2.42% है, 2.42% है भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 134, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का नेतरहाट, जो झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश है और सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 135, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का नेतरहाट है, झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का पुनपुन नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 137, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का लोहरदगा जिला झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का रांची जिले, झारखंड में रांची जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? इस क्वेश्चन का 35 अनुमंडल है झारखंड राज्य में कुल। क्वेश्चन नंबर 140, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का 1986 में हुई थी, 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना, यहाँ पे नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का 20 है, झारखंड में सांसदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 142, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ है? इस क्वेश्चन का बिहार राज्य से अलग हुआ है झारखंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 143, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? इस क्वेश्चन का 7 विश्वविद्यालय है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 144, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का रांची जिले में हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 145, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? इस क्वेश्चन 1908 में लागू हुआ छोटा नागपुर टेनेंसी कानून। क्वेश्चन नंबर 146, झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे? इस क्वेश्चन का 18 जिले थे झारखंड राज्य के निर्माण के समय। क्वेश्चन नंबर 147, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? इस क्वेश्चन का कुआ का। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया था? इस क्वेश्चन का 1 अप्रैल 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन 20 सितंबर 1924 में हुई थी, 20 सितंबर 1924 में हुई थी भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जादूगोड़ा में स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 151, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जमशेदपुर में स्थित है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 152, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 153, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का मेसरा रांची में स्थित है बिरला प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 154, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान का आदर्श वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? इस क्वेश्चन का सा विद्या या विमुक्ति है, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान का आदर्श वाक्य है, मोटो है। क्वेश्चन नंबर 150, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
कृष्ण श्री ब्रज मोहन बिरला द्वारा सन 1955 में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी और ब्रज मोहन बिरला इसके संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 150, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 157, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन होता है हजारीबाग में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 158, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 159, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन कहते हैं 1992 में थी सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय खनिन विद्यापीठ विश्वविद्यालय या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन धनबाद में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 160, झारखंड के किस विद्यापीठ की स्थापना 1926 में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर भारतीय खनि विद्यापीठ विश्वविद्यालय या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना तो किसके तर्ज पर की? तो लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 160, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है? इस क्वेश्चन उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणी बोधत। क्वेश्चन नंबर 160, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी BIT सिंदरी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 1949 में हुई थी BIT सिंदरी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 164, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी BIT सिंदरी का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर नियतम करु कर्मत्व, नियतम कुरु कर्मत्वम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी के का ध्येय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 160, झारखंड में किस शासक ने खड़ग डिहा राज्य की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन कहते हैं हंसराज देव ने की थी झारखंड में खड़ग डिहा राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 160, रेसेस इन कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन DN मजुमदार है रेसेस इन कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 167, मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन इब्राहिम वया ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति, तो इब्राहिम वया कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, तो उसने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 168, सागर किनारा झारखंड से कितने किमी दूर है? तो समुद्र किनारा झारखंड से कितना किलोमीटर दूर है? इस क्वेश्चन कहते हैं 90 किलोमीटर दूर है समुद्र किनारा झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 169, झारखंड में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इस क्वेश्चन कहते हैं हजारीबाग से गुजरती है झारखंड में कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 170, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? इस क्वेश्चन कहते हैं नवादा जिले को स्पर्श करता है कोडरमा, तो यहाँ पे याद रखें झारखंड के कौन से जिले दूसरे राज्य के कौन से जिले से स्पर्श करते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 171, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का आर्कियन सेल प्राप्त होता है झारखंड में सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 172, झारखंड के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन कहते हैं नेत्रहाट में, पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दे चुका हूँ, नेत्रहाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 173, झारखंड में राजमहल ट्रेप का सर्जन किस काल में हुआ था? इस क्वेश्चन जुरैसिक काल में हुआ था झारखंड में राजमहल ट्रेप का सर्जन। क्वेश्चन नंबर 170, झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? इस क्वेश्चन का उत्तर 5 राज्यों से लगती है झारखंड की सीमा कुल। क्वेश्चन नंबर 170, झारखंड में खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का भगीरथ मांझी के द्वारा किया था झारखंड में खेरवार आंदोलन का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 176, झारखंड में तांबा उत्पादन खान कहां स्थापित है? इस क्वेश्चन का घाटशिला में स्थापित है झारखंड में तांबा उत्पादन खान। क्वेश्चन नंबर 170, झारखंड में किरण स्टेडियम कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर जमशेदपुर में स्थित है झारखंड में किरण स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 170, झारखंड राज्य में आयोजित
34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? इसके छोवा था, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर। तो 1368 ईस्वी में राम राज्य के संस्थापक कौन थे झारखंड में? इस क्वेश्चन का तो बागदेव सी थे 1368 ईस्वी में राम राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 181, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का तो चतरा जिला है, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला। क्वेश्चन नंबर 182, 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? इस क्वेश्चन का अलीपुर जेल कोलकाता भेजा गया था 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 183, झारखंड में पारसनाथ अभयारण्य कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का गिरिडीह में स्थित है झारखंड में पारसनाथ अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 184, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का 81 है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 185, उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का बुद्धो भगत ने किया था उराव विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 186, झारखंड विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन का तापीय विद्युत, झारखंड विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 187, राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का चतरा है, राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 188, दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में है झारखंड में? इस क्वेश्चन का उत्तर लातेहार जिले में दाऊद खां की मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 189, नवरत्नगढ़ किस नागवंशी शासक ने स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर देवशाह ने स्थापित किया था नवरत्नगढ़। क्वेश्चन नंबर 190, झारखंड में दलमा अभयारण्य कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है झारखंड में दलमा अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 190, जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 192, दिल्ली के किस सुल्तान ने सतगांव को राजधानी बनाया था? इस क्वेश्चन का फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली के सुल्तान ने सतगांव को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 193, 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? इस क्वेश्चन विल्किंसन ने किया था 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह का दमन। क्वेश्चन नंबर 194, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का 19-20 मार्च 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 195, सन 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जुहिल लकड़ा ने की थी, जुहिल लकड़ा ने सन 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 196, झारखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है, कौन से क्रम की उच्च न्यायालय बनी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर 21वीं उच्च न्यायालय बनी थी, झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 190, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर 15 नवंबर है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती। क्वेश्चन नंबर 198, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन दुमका है, झारखंड की उपराजधानी उपपाटनगर, दूसरा पाटनगर। क्वेश्चन नंबर 199, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का तिलका मांझी थे, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता। क्वेश्चन नंबर 200, बाबा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? इस क्वेश्चन का 13 जनवरी 1785 में बाबा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, पतरातु ताप विद्युत संयंत्र झारखंड में किस देश के सहयोग से बना था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सोवियत यूनियन देश के सहयोग से बना था पतरातु ताप विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 202, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है?
इस क्वेश्चन का आंसर राडू नदी पर है, गौतम धारा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 204, झारखंड में कर्मा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर एक लोक नृत्य है झारखंड में कर्मा। क्वेश्चन नंबर 205, किसके नेतृत्व में संथाल परगना में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? इस क्वेश्चन सेल बाला राय, सेल बाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना में वहां की महिलाओं ने नमक कानून में को चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 206, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? इस क्वेश्चन तो महादेव देवता से मंडा पर्व का संबंध। क्वेश्चन नंबर 207, ननी गोपाल मुखर्जी ने कहाँ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का तो जमशेदपुर में किया था ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 208, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर पलामू है, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 209, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? इस क्वेश्चन का छोटा नागपुर पठार से निकलती है सकरी नदी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 210, झारखंड में किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? इस क्वेश्चन का फल्गु, तो झारखंड में फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। क्वेश्चन नंबर 211, महुआ डांड भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयणी झारखंड में किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर पलामू जिले में महुआ डांड भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयणी। क्वेश्चन नंबर 212, गुमरो एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां है? इस क्वेश्चन ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां है गुमरो एवं एरो। क्वेश्चन नंबर 213, उधवा जल पक्षी आश्रयणी झारखंड में कहाँ है? इस क्वेश्चन साहेबगंज जिले में उधवा जल पक्षी आश्रयणी। क्वेश्चन नंबर 214, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन 1894 में भारत में पहली बार वन नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 215, संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन 1949 में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 216, जारी बाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर केमक, अंग्रेज के नेतृत्व में हुआ था हजारीबाग में अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 217, झारखंड के किस जिले में दलमा गज अभयारण्य स्थित है? इस क्वेश्चन का पूर्वी सिंहभूम जिले में दलमा गज अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 218, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इस क्वेश्चन जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन 219, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन 1979 में ईस्वी में हुई थी रांची नगर निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 220, बिरसा मृग विहार झारखंड में कहाँ है? बिरसा मृग विहार झारखंड में कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर खूंटी में है बिरसा मृग विहार। क्वेश्चन नंबर 221, पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ अवस्थित है? झारखंड में पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सिंदरी में स्थित है पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल कारखाना। क्वेश्चन नंबर 222, बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से है? इस क्वेश्चन का कौल विद्रोह से बुद्धू भगत का संबंध। क्वेश्चन नंबर 223, झारखंड में किसके अनुयायियों को टाना भगत कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जतरा उराव, जतरा उराव के अनुयायियों को झारखंड में टाना भगत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 224, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का लोहर दरगाह जिला है झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। क्वेश्चन नंबर 225, दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन झारखंड किस शहर में है? इस क्वेश्चन हजारीबाग के शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 226, मुगल काल में बंगाल की राजधानी किस क्षेत्र में हुआ करती थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है राजमहल, मुगल काल में बंगाल की राजधानी राजमहल में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 227, झारखंड में बर्मा एवं अयर बांध किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर दामोदर नदी पर है बर्मा एवं अयर बांध।
क्वेश्चन नंबर 228, झारखंड में सबसे अधिक कैसी मिट्टी पाई जाती है? इस क्वेश्चन के लाल मिट्टी पाई जाती है झारखंड में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 229, जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन कब किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 230, बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? इस क्वेश्चन का 1939 में किया थी बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 231, झारखंड में जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? इस क्वेश्चन का शिकार के अवसर पर गाया जाता है जापी लोकगीत झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 232, वहाबी आंदोलन की शाखाएं झारखंड में कहाँ खोली गई है? इस क्वेश्चन उत्तर राजमहल में खोली गई थी वहाबी आंदोलन की शाखाएं झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 233, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? इस क्वेश्चन का डाल्टन था 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 234, काली मिट्टी किस तरह की सेलों से निर्मित है? इस क्वेश्चन का बेसाल्ट सेलों से निर्मित है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 235, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में किस पठार का एक भाग है? इस क्वेश्चन का गिरडी का पठार का एक भाग है पारसनाथ की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 236, उराव जनजाति में धार्मिक कार्यों किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? इस क्वेश्चन को पाहन कहते हैं धार्मिक कार्यों करने वाले को उराव जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 237, मुंडा जनजाति की भाषा को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन होडो जगर कहा जाता है मुंडा जनजाति की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 238, 1857 के विद्रोह के समय टिकेत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? इस क्वेश्चन 6 जनवरी 1858 को टिकेत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 239, जार क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन 2006 में हुई थी जार क्राफ्ट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 240, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इस क्वेश्चन 140 सेंटीमीटर होती है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 241, कौन सी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है? यहाँ पे आता है ब्राह्मणी जिले, याद रखना है ब्राह्मणी नदी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 242, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन 2003 में हुई थी झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC रांची की स्थापना। यहाँ पे मैंने 241 का आंसर ब्राह्मणी नदी आता है, याद रखना है आपको दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 243, अंग्रेजों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? इस क्वेश्चन के बुद्धू भगत थे, अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 241, वीरभूमि में भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इस क्वेश्चन के गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था वीरभूमि में भूमिज विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 245, महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? इस क्वेश्चन के नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है महाकवि घासीराम। क्वेश्चन नंबर 246, प्रसिद्ध क्रिकेटर शुभलक्ष्मी झारखंड में कहाँ से है? इस क्वेश्चन का हजारीबाग से है प्रसिद्ध क्रिकेटर शुभलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 247, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? इस क्वेश्चन का हजारीबाग जिले में मृदा शोध एवं संसाधन अनुसंसाधन केंद्र संस्थान। क्वेश्चन नंबर 248, झारखंड के किस जिले में चक्रधरपुर की राजवाड़ी है? झारखंड के किस जिले में चक्रधरपुर की राजवाड़ी है? इसके जो पश्चिम सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर की राजवाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 249, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? इसके जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 250,
झारखंड के गठन के बाद निर्मित प्रथम जिला कौन सा था? इसके से लातेहार जिला था, झारखंड के निर्माण के बाद गठित प्रथम जिला, निर्मित प्रथम जिला। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, हमने बहुत मेहनत करके वीडियो लगाए बनाए। अगर यहाँ पे आप पूरा वीडियो देखते हो और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपको कोई भी क्वेश्चन पे यहाँ पे डाउट लगता है, तो कृपया उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए और वो क्वेश्चन पूरा लिखिए और अपना आंसर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देखे या डिस्क्रिप्शन में देखे तो उनको कोई उनका कोई भी मार्क गलत ना हो, मार्क डिडक्ट ना हो। इसलिए दोस्तों जब भी ये वीडियो पूरा देखने के बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार इसका कमेंट बॉक्स देख लेना और डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, ताकि हम जो भी करेक्शन हो इसमें अपडेट कर देंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो के देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपने कहीं बुक में पढ़ा हो तो वहाँ पर आपको इस कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, तो आप कृपया वो क्वेश्चन लिखना और उसका आपका आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम भी चेक करके वो आंसर आपका क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन से अपडेट कर देंगे। उसको पूरा एग्जाम देने के जब भी जाओ तो एक बार कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, बाकी आपको कोई एग्जाम में कोई लॉस ना हो हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 251, छिन्न मस्ती के मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? इस क्वेश्चन के भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है छिन्न मस्ती के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 252, छिन्न मस्ती का मंदिर कहाँ स्थित है? रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है छिन्न मस्ती का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 253, किस मंदिर को प्रचंड चंडी के रूप में भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन के छिन्न मस्ती का मंदिर को प्रचंड चंडी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, रजरप्पा के छिन्न मस्ती का मंदिर और असम के किस मंदिर में समानता है? इसके कामाख्या मंदिर में समानता है। क्वेश्चन नंबर 255, पारसनाथ जैन मंदिर के कौन से तीर्थकर थे? इसके 23वें तीर्थकर, जिनको पार्श्वनाथ भी कहा जाता है और इनको पारसनाथ भी कहा जाता है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 256, झारखंड में जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का पारसनाथ है, झारखंड में जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान जहाँ पे पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 257, झारखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का पारसनाथ है, झारखंड की उच्चतम पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 258, पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन 1350 मीटर है पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई, कहीं पे 1365 भी दिख रहा है, कहीं पे 70 भी दिख रहा है, तो कृपया इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 259, पारसनाथ पर्वत या श्री शिखर जी अन्य किस रूप से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का श्री शमशेद शिखर जी भी कहा जाता है या शिखर जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 260, जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थकरों से पारसनाथ को मोक्ष प्राप्त किया था? पारसनाथ में मोक्ष प्राप्त किया था, जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थकरों में पारसनाथ में मोक्ष प्राप्त किया था, पारसनाथ में निर्माण हुआ था? इस क्वेश्चन 20 तीर्थ, जो 24 में से 20 तीर्थकरों ने पारसनाथ में मोक्ष प्राप्त किया था, तो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है और बहुत ही परिष्ठ तीर्थ जैन धर्म का पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 261, छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन फणी मुकुट राय ने की थी छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 262, नागवंश के किस राजा को सुतांबे के पार्थ राजा मद्रा मुंडा ने गोद लिया था? इस क्वेश्चन फणी मुकुट राय को सुतांबे के पार्थ राजा मद्रा मुंडा ने गोद लिया था। क्वेश्चन नंबर 263, जहांगीर ने राजा दुर्जनशाल को कहां जेल भेजा था? इस क्वेश्चन का उत्तर ग्वालियर की जेल में, ग्वालियर में भेजा था
राजा दुर्जन साल को 12 साल तक जेल में रहे थे दुर्जन साल। क्वेश्चन नंबर 264, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी नवतरगढ़ डोईसागढ़ स्थानांतरित की थी? इस क्वेश्चन दुर्जन साल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 265, 1769 से 1805 ईस्वी में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके रघुनाथ महतो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 266, 1785 में तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? इसके भागलपुर में दी गई थी तिलका मांझी को फांसी। क्वेश्चन नंबर 267, 1874 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसके भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में अंग्रेजों के खिलाफ खेरवार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 268, मुगल शासक काल में झारखंड किस नाम से प्रसिद्ध था? इस क्वेश्चन का उत्तर खुखरा नाम से प्रसिद्ध मुगल शासन काल में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 269, झारखंड में 1812 ईस्वी में किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बख्तर साय और मुंडल सिंह के नेतृत्व में 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 270, वर्ष 2006 में झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का बाबूलाल मरांडी ने की थी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वो भाजपा से अलग होकर उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की थी वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 271, 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था? इस क्वेश्चन राजा जय सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा का राजा था जिसने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 272, मयूराक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का उत्तर हुगली नदी की सहायक नदी है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 273, मयूराक्षी नदी पर स्थित मसनजोर बांध झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित मसनजोर बांध, जो कनाडा देश की सहायता से बनाया गया था, इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इस क्वेश्चन का टिपरा, पुसरो, भांबरी, दौना, धोवाई मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, झारखंड में हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन मयूराक्षी नदी पर लगता है झारखंड में हिजला मेला। क्वेश्चन नंबर 276, झारखंड के किस गायन और नृत्य के साथ हिजला मेले की शुरुआत होती है? झारखंड में किस कौन से गाने और नृत्य के साथ परम हिजला मेले की शुरुआत होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर है आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र सिंगा, याद रखें सिंगा, और सकवा के वादन और झिझरी गायन और पायका नृत्य के साथ हिजला मेले की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 270, मयूराक्षी नदी भारत के किन राज्य में बहती है? इस क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल और झारखंड दो राज्य में बहती है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 278, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 279, मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? इस क्वेश्चन 250 किलोमीटर है मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई। क्वेश्चन नंबर 280, दामोदर नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? इस क्वेश्चन का उत्तर पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में बहती है दामोदर नदी, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी, और जिसे पश्चिम बंगाल का सोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 281, कुन्नर तथा बराकर किस नदी की सहायक नदियाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर दामोदर नदी की सहायक नदियाँ है कुन्नर और बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 282, कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? इस क्वेश्चन का उत्तर दामोदर घाटी परियोजना। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 283, 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था?
कौन से क्रम का राज्य बना था? इस क्वेश्चन के 28 बार राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होके। क्वेश्चन नंबर 284, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? इस क्वेश्चन का द्रौपदी मुर्मू है झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 285, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन का जमशेदपुर है झारखंड की औद्योगिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 286, झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से है? इस क्वेश्चन का बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा झारखंड के पड़ोसी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 287, झारखंड राज्य का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सर्वत पहाड़ी, जो गुलगुल पाट झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 288, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पश्चिम सिंहभूम, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 289, झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन वन प्रदेश नाम है झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 290, झारखंड का प्रथम हिंदी समाचार मासिक पत्रिका कौन सा था? इस क्वेश्चन धर बंधु झारखंड का प्रथम हिंदी समाचार मासिक पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 291, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? इस क्वेश्चन दिल्ली प्रेस झारखंड की प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रिका थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 292, जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन कानन कोस ग्रोव जयपाल सिंह मुंडा के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 293, जमशेदपुर का पुराण नाम क्या है? इस क्वेश्चन साक्षी था पुराण नाम, प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 294, भारत में सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ है? इस क्वेश्चन पर्वतपुर बोकारो में है भारत में सबसे बड़ा मीथेन गैस कुआं। क्वेश्चन नंबर 295, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इस क्वेश्चन न्यायमूर्ति लक्ष्मण झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 296, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर चतरा को कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 297, यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का जादू घोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 298, मौर्यों के काल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन कुकुट कहा जाता था मौर्यों के काल में झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 299, झारखंड की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई कौन सी है? इस क्वेश्चन मुरी है झारखंड की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई। क्वेश्चन नंबर 300, वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का उत्तर है किकट प्रदेश नाम से जाना जाता था वैदिक काल में झारखंड को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 301, झारखंड में किस समूह की चट्टाने सोन घाटी क्षेत्र में मिलती है? इस क्वेश्चन का विंध्याचल, तो झारखंड में विंध्याचल समूह की चट्टाने सोन घाटी क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन, संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जोग माझी कहा जाता है संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को। क्वेश्चन नंबर 303, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर रांची में मनाया जाता है झारखंड में जवाहर दिवस। क्वेश्चन नंबर 304, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं? इस क्वेश्चन का 13, तो 13 राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, झारखंड में विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? इस क्वेश्चन का जॉन्स गैलेस्टिन झारखंड में विधानसभा में नामांकित पहला सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 306, सोनपुरा रियासत झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन के पलामू जिले में सोनपुरा रियासत। क्वेश्चन नंबर 306, बागदेव सिंह की पहली पूंजी कहाँ थी? यहाँ पे राजधानी आती है सीसिया में थी बागदेव सिंह की पहली राजधानी।
क्वेश्चन नंबर 308, कोरबा जनजाति का जनजीवन किन लोगों से मिलता है? इस क्वेश्चन कहते हैं मुंडा और सेंथल लोगों से मिलता है कोरबा जनजाति का जनजीवन। क्वेश्चन नंबर 309, कुकरा का शासक रघुनाथ का संबंध किस वंश से है? इस क्वेश्चन कहते हैं नागवंशी शासक था रघुनाथ। क्वेश्चन नंबर 310, ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से अधिक प्रभावित था? इस क्वेश्चन का उत्तर महात्मा गांधी जी से अधिक प्रभावित था ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 311, झारखंड में राउत, मांझी, भोक्ता, खरवार, देनवारी, महतो आदि किसकी जनजातियाँ है, उपजातियाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर खरवार की उपजातियाँ है। क्वेश्चन नंबर 312, झारखंड में राजमहल फॉसिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन कहते साहिबगंज जिले में स्थित है राजमहल फॉसिल अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 313, किस मुस्लिम शासक ने नागवंशी राजाओं को अधीन करने के लिए सेनापति भेजा था? इस क्वेश्चन का उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था नागवंशी राजाओं को अधीन करने के लिए सेनापति। क्वेश्चन नंबर 314, झारखंड में डाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन कहते हैं 1767 में झारखंड में डाल विद्रोह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 315, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित होकर अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया था चेरो ने? इस क्वेश्चन कहते हैं अकबर। तो अकबर मुगल शासक की मृत्यु के बाद चेरो फिर से संगठित होकर अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया था चेरो ने। क्वेश्चन नंबर 316, झारखंड में पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1572 ईस्वी में झारखंड में पलामू का चेरो राज्य स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 317, झारखंड में मानसी ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था मानसी ने। क्वेश्चन नंबर 318 ईस्वी में के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? इस क्वेश्चन का उत्तर रांची में था 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 319, झारखंड की कौन सी जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है? इस क्वेश्चन का उत्तर उराव जनजाति में मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 320, झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1741 ईस्वी में झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 321, इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से कहाँ ले गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर ढाका में ले गया था इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से। क्वेश्चन नंबर 322, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नेतरहाट क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 323, झारखंड की किस नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर कोलाजर नदी से, झारखंड की कोलाजर नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 304, झारखंड में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र? इस क्वेश्चन का उत्तर देवघर है तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिम भारत के राठौर राजपूतों ने किस राज्य की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर पोरहट राज्य की स्थापना की थी पश्चिम भारत के राठौर राजपूतों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, दुधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर साहिबगंज में स्थित है दुधवा पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 327, किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? इस क्वेश्चन का मुंडा जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है। अगला क्वेश्चन, चुआर विद्रोह झारखंड में किस स्थान हुआ था? इस क्वेश्चन का सिंहभूम में हुआ था चुआर विद्रोह झारखंड में। अगला क्वेश्चन, 1661 में ईस्वी में मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले में कौन सा गांव दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर उटारी गांव दिया था 1661 में मुगल बादशाह ने अनिरुद्ध को थानेदारी के बदले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330,
झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? क्वेश्चन होते हैं 35 अनुमंडल है झारखंड राज्य में कुल। अगला क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन का उत्तर भगनाडीह है सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? क्वेश्चन 4311 किलोमीटर है झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? क्वेश्चन का उत्तर प्रायद्वीपीय का पठार का भाग है छोटा नागपुर पठार, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 335, झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए किस मुगल शासक ने राम सिंह को भेजा था? इस क्वेश्चन का जागीर, तो झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए मुगल किस मुगल शासक ने राम सिंह को भेजा था? तो जागीर ने भेजा था राम सिंह को। क्वेश्चन नंबर 336, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इस क्वेश्चन का उरावी जनजाति झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 337, झारखंड की कौन सी जनजाति है जो स्वयं को हिंदू राजपूत मानती है? इस क्वेश्चन होते बुथिया, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार जनजाति खुद को हिंदू राजपूत मानती है। अगला क्वेश्चन 338, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? इस क्वेश्चन होते 1770 और 1771 में हुआ था चेरो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 339, झारखंड राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? इस क्वेश्चन होते रांची के पठार में मिलता है झारखंड राज्य में पाट क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 340, झारखंड में संतानोत्पत्ति के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? इस क्वेश्चन का झंझाइन गीत गाया जाता है झारखंड में संतानोत्पत्ति के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का उली हाथू में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342, भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन होते कमावत कहा जाता है भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को। क्वेश्चन नंबर 343, 1693 ईस्वी में पोरहट राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन कहते राठौर राजपूत द्वारा की गई थी राठौर राजपूत द्वारा पोरहट राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1693 ईस्वी में की गई थी पोरहट में। क्वेश्चन नंबर 344, झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? इस क्वेश्चन तो कोडरमा जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। क्वेश्चन नंबर 345, शताब्दी स्टेडियम कहाँ स्थित है झारखंड में? इस क्वेश्चन होते रांची में स्थित है शताब्दी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 346, झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? इस क्वेश्चन होते कैमूर के पहाड़ों में निवास करते हैं झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 342, अंग्रेजों ने कोल्हान कर पर कब नियंत्रण कर लिया था? अंग्रेजों ने कोल्हान कर पर कब नियंत्रण कर लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में कोल्हान पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का जयपाल सिंह मुंडा ने किया था आदिवासी महासभा का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 349, 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद सिराज उद दौला को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ रखा था? इस क्वेश्चन का राजमहल में रखा था 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद सिराज उद दौला को। क्वेश्चन नंबर 350, मुचुकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर हजारीबाग जिले में मुचुकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा। क्वेश्चन नंबर 351, सकरी नदी झारखंड में कहां से निकलती है? इस क्वेश्चन का उत्तर छोटा नागपुर पठार से निकलती है सकरी नदी। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 353, बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन खूंटी में स्थित है बिरसा मृग विहार। क्वेश्चन नंबर 354, पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ है? इस क्वेश्चन का सिंदरी में है पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कारखाना। क्वेश्चन नंबर 355, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? इस क्वेश्चन अंदर रॉबर्ट्स ब्राउन ने प्रदान की थी 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन के लिए बृहत योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, तेलिया घटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है साहेबगंज जिले में स्थित है तेलिया घटी। क्वेश्चन नंबर 353, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन के अंदर रांची जिले से प्राप्त हुए कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 358, उराव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन किली कहा जाता है उराव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को। क्वेश्चन नंबर 360, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इस क्वेश्चन का उत्तर देवघर था, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? इस क्वेश्चन का उत्तर इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 362, झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 363, बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का दामोदर नदी पर है बर्मा एवं अय्यर बांध। क्वेश्चन नंबर 364, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का लाल मिट्टी पाई जाती है झारखंड में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 365, झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 360, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 367, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? इस क्वेश्चन का लातेहार जिले से निकलती है दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 368, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? इस क्वेश्चन का 290 किलोमीटर है दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इस क्वेश्चन नेतरहाट पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन मयूराक्षी नदी पर आयोजित किया जाता है हिजला मेला। अगला क्वेश्चन, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? इस क्वेश्चन का विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे झारखंड समन्वय समिति के संयोजक। क्वेश्चन नंबर 372, सेल्यूसरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? इस क्वेश्चन डेवोनी कल्प आता है सेल्यूरियन कल्प के बाद। क्वेश्चन नंबर 373, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? इस क्वेश्चन बूढ़ा घाग जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 374, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का नेतरहाट झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इस क्वेश्चन पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है झारखंड राज्य में झूमर गीत। क्वेश्चन नंबर 376, डोमकच गीत किस अवसर पर गाया जाता है? इस क्वेश्चन विवाह के अवसर पर गाया जाता है डोमकच गीत।
क्वेश्चन नंबर 377, झारखंड में धुबिया क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, नृत्य है धुबिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 378, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? इस क्वेश्चन द्रविड़ों से मिलती है, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं। अगला क्वेश्चन 379, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? इस क्वेश्चन महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था पहाड़िया विद्रोह में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 380, संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? इस क्वेश्चन बर्तन बनाने का कार्य करती है संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 381, राउत माझी भोक्ता खरवार देनवारी महतो आदि किसकी जन उपजातियाँ है? इस क्वेश्चन खरवार की जनजातियाँ है। क्वेश्चन नंबर 382, किस जनजाति में दो वंशानुगत पंचायत मादी एवं गोड़ी होती है? इसके से बिजिया जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 383, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है? इसके से गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को भाईबंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 384, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया था? इसके से 1952 ईस्वी में झारखंड राज्य में निजी वनों को नियंत्रण में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 385, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन 23-24 अनुच्छेद में किया गया अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 386, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन पवड़िया नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 387, तेतुलिया उष्ण जल कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन धनबाद जिले में स्थित है तेतुलिया उष्ण जल कुंड। क्वेश्चन नंबर 388, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन संथाल जनजाति की संख्या सर्वाधिक है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 389, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? इस क्वेश्चन का उराव जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 39, किस जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है उराव जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 391, किस जनजाति के युवक युवतियों को प्रमुख संस्था धुमाकड़िया है? किस जनजाति के युवक युवतियों की प्रमुख संस्था धुमकड़िया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है उराव जनजाति के युवक युवतियों की प्रमुख संस्था धुमकड़िया है। क्वेश्चन नंबर 392, गीति ओरा किस जनजाति का युवा ग्रह है? इस क्वेश्चन मुंडा, तो मुंडा जनजाति का युवा ग्रह है गीति ओरा। क्वेश्चन नंबर 393, उत्थलूस और छागहीस किस जनजाति के ही दो वर्ग है? इस क्वेश्चन का उत्तर बिरहोर जनजाति के दो वर्ग है उथलुस और जागहीस। क्वेश्चन नंबर 394, बेदिया जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? इस क्वेश्चन होते हजारीबाग जिले के बड़काकाना क्षेत्र में निवास करते हैं बेदिया जाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 395, पलामू का चेर राज्य कब स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का 1572 ईस्वी में स्थापित हुआ था पलामू का चेर राज्य। क्वेश्चन नंबर 396, किस वर्ष मानसी बिहार का गवर्नर बनकर आया था? इस क्वेश्चन का 1589 ईस्वी में मानसी बिहार का गवर्नर बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 397, मनकली खा को पलामू का फौजदार किस शासक ने नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है औरंगजेब ने नियुक्त किया था मनकली खा को पलामू का फौजदार। क्वेश्चन नंबर 398, सिंह वंश की पहली शाखा कब शुरू हुई थी? इसके से 693 ईस्वी में सिंह वंश की पहली शाखा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 399, संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? इस क्वेश्चन का मेजर जनरल लॉयड,
संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर था। क्वेश्चन नंबर 400, किस शासक ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी? इसके हंसराज देव ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 401, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन में मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 402, झारखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन में इंदर सिंह नामधारी झारखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 403, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन में दीप सेन गुप्ता विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 404, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है? इस क्वेश्चन में विजय नीलमणि खलखो झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी एथलीट है। क्वेश्चन नंबर 405, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन में सावित्री पुती झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 406, झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन में रणधीर वर्मा झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 407, झारखंड का प्रथम आदिवासी पद्मश्री कौन है? पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी कौन है? इस क्वेश्चन में जुइल लकड़ा झारखंड से है, जो प्रथम आदिवासी है जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 408, झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? इस क्वेश्चन में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 409, झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में है, झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 410, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन का उत्तर फटिक चंद्र हेम्ब्रम झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 411, झारखंड का प्रथम रेल मार्ग कहाँ चला था? इस क्वेश्चन का उत्तर राजमहल से मुगल सराय तक चला था झारखंड का प्रथम रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 412, झारखंड के में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश कब हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1767 ईस्वी सिंहभूम में हुआ था झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 413, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? इस क्वेश्चन का मुख्य ब्रहा झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 414, झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? इस क्वेश्चन का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो रांची में है झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 415, झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी है? इस क्वेश्चन का सोना का नागपुर झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 416, झारखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है? इस क्वेश्चन का आक्रांत झारखंड की प्रथम फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 417, झारखंड के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन दिल्ली प्रेस झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 418, झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा है? इस क्वेश्चन घर बंधन झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 419, झारखंड से प्रकाशित होने वाली प्रथम हिंदी समाचार कौन सा है? तो राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 420, झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? इस क्वेश्चन का विश्वेश्वर खान झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 420, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का बागुन सुमरई झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 421, झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? क्वेश्चन का उत्तर है स्टीफन मरांडी झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता है। क्वेश्चन नंबर 422, झारखंड की प्रथम महिला मंत्री कौन है? क्वेश्चन का उत्तर है जोबा मांझी, तो झारखंड की प्रथम महिला मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 423, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहते हैं जिसे इंग्लिश में कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर मंगलमय बनर्जी
झारखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल है। क्वेश्चन नंबर 421, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का शिवाजी महान केरे, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? इस क्वेश्चन का विजय शंकर दुबे, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर 426, झारखंड राज्य के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का लक्ष्मी सिंह, झारखंड राज्य के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम सैनिक कौन है जिसे परमवीर चक्र सम्मान मिला है? इस क्वेश्चन का अल्बर्ट इका, झारखंड के प्रथम सैनिक है जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 428, झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी कौन है जिसे अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का रणधीर वर्मा, झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी है जिन्हें अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 429, झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला है? इस क्वेश्चन का निक्की प्रधान, झारखंड की प्रथम ओलंपिक महिला ओलंपिक खिलाड़ी है जो जिसे ओलंपिक में खेला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430, झारखंड से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? इस क्वेश्चन का महेंद्र सिंह धोनी है जो झारखंड से है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 431, झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन है? इस क्वेश्चन का आशित लाकड़ा, झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का रघुबर दास, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रघुबर दास का है। क्वेश्चन नंबर 433, झारखंड का प्रथम बिजली घर कौन सा है? इस क्वेश्चन का तिलैया, झारखंड का प्रथम बिजली घर है तिलैया में। क्वेश्चन नंबर 434, झारखंड में प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? इस क्वेश्चन का रांची विश्वविद्यालय, झारखंड में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 435, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? इस क्वेश्चन का संत कोलंबस कॉलेज, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 436, झारखंड में धनबाद से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का कोयला, अग्नि मिट्टी, बालू पत्थर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में बोकारो से क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का कोयला, चूना पत्थर और बालू पत्थर बोकारो से खनिज पाए जाते हैं झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 438, गिरडीह से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का गिरडीह जिले से कोयला, चूना पत्थर, सॉफ्टस्टोन, चूना पत्थर, बालू पत्थर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439, झारखंड के हजारीबाग से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 440, झारखंड के कोडरमा से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का अभ्रक, बालू पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर पाए जाते हैं कोडरमा से। क्वेश्चन नंबर 441, झारखंड के पलामू जिले से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला, चूना पत्थर, बालू पत्थर, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, सॉफ्टस्टोन, डोलोमाइट, फ्लोस्पार, क्वार्ट्ज, ईंट पत्थर, मार्बल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 442, झारखंड के लातेहार जिले से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर कोयला, फायर क्ले, फ्लेस्पार, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, बालू पत्थर, मार्बल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, पश्चिमी सिंहभूम से कौन से खनिज पाए जाते हैं झारखंड में? इस क्वेश्चन का उत्तर लौह अयस्क, मैगनीज, इस्वेस्टर्स, क्रोमाइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले, काइनाइट, बेराइट्स, पीली मिट्टी, सिलिका सैंड और बालू पत्थर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 444, देवघर से कौन से खनिज पाए जाते हैं झारखंड में, देवघर जिले से? इस क्वेश्चन का कोयला, क्वार्ट्ज, बालू पत्थर और ग्रेनाइट पाए जाते हैं देवघर से। क्वेश्चन नंबर 440, दुमका जिले से झारखंड में कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का कोयला, फायर क्ले, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, बालू पत्थर, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 440, साहिबगंज से कौन से खनिज पाए जाते हैं झारखंड में? इस क्वेश्चन का बालू पत्थर, चाइना क्ले,
सिलिका सैंड पाए जाते हैं साहिबगंज से। क्वेश्चन नंबर 440, गढ़वा से कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन के कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, बालू पत्थर और मोरम पाए जाते हैं गढ़वा से। क्वेश्चन नंबर 448, रांची से झारखंड में कौन से खनिज पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर कोयला, चूना पत्थर, फायर क्ले, चाइना क्ले और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 449, गिरिडीह जिले से कौन के अनुमंडल कौन कौन से है? इस क्वेश्चन के उत्तर गिरिडीह, खोरी, महुआ, डुमरी, सरिया। क्वेश्चन नंबर 450, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर किस जिले के अनुमंडल है? इस क्वेश्चन के पलामू जिले के अनुमंडल है झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 451, थाल भूमगढ़ घाटशिला किस जिले से जिले के अनुमंडल है? इस क्वेश्चन के उत्तर पूर्वी सिंहभूम जिले के अनुमंडल है धाल भूमगढ़ घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 452, राजमहल अनुमंडल किस जिले में है? इस क्वेश्चन के उत्तर साहिबगंज जिले में राजमहल अनुमंडल। क्वेश्चन नंबर 453, चाईबासा, पोडाहाट, जगन्नाथपुर किस जिले के अनुमंडल है? इस क्वेश्चन के उत्तर पश्चिमी सिंहभूम के अनुमंडल है चाईबासा, पोडाहाट, जगन्नाथपुर। अगला क्वेश्चन 454, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर जमशेदपुर में है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 450, प्रियंका चोपड़ा ने किस तमिल फिल्म में सर्वप्रथम अभिनय किया था? इस क्वेश्चन के थमीजान फिल्म में, तमिल फिल्म में सर्वप्रथम अभिनय किया था प्रियंका चोपड़ा ने। उसके बाद उनकी द हीरो फिल्म आई थी सनी देओल के साथ और उसके बाद अंदाज फिल्म आई थी अक्षय कुमार के साथ जिसमें उनको सफलता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 456, प्रियंका चोपड़ा ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? इस क्वेश्चन का 2000, वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और वो निक जोनास से उनका विवाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 457, महेंद्र सिंह धोनी को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर कब सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का 2008 और 2009 में लगातार दो बार ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा ODI प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी है जो दो बैक टू बैक दो बार ODI प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 458, MS धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन उत्तर 2007-08 में MS धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 459, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? इस क्वेश्चन का उत्तर बांग्लादेश के खिलाफ खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच। क्वेश्चन नंबर 460, महात्मा गांधी जी पहली बार रांची में कब आए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर 4 जून 1917 में महात्मा गांधी जी पहली बार रांची आए थे। वैसे झारखंड में महात्मा गांधी जी 12 बार आए हैं। क्वेश्चन नंबर 461, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर रणेंद्र है, गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 462, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर सुलेमान मुर्मू कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 463, खेरवाल मासो धोरोम पुंथी खेरवाल बांसो धोरोम पुंथी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन के माजी रामदास टुंडू खेरवाल बांसो धोरोम पुंथी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 464, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन के रामदयाल मुंडा आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 465, राही रावण कान्हा नाटक के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर भोगला सोरेन, राही रावण कान्हा नाटक के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 466, झारखंड एक अंतहीन समर गाथा के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर वंदना टेटे है, झारखंड एक अंतहीन समर गाथा के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 467, पुरखा लड़ाके और किसका राज है कि रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर वंदना टेटे है, पुरखा लड़ाके और किसका राज है कि रचनाकार।
क्वेश्चन नंबर 4 अलग राज्य झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? क्वेश्चन का उत्तर जयपाल सिंह मुंडा ने की थी अलग अलग झारखंड की मांग। क्वेश्चन नंबर 469 मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? क्वेश्चन संथाल विद्रोह का वर्णन किया है, उल्लेख किया है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 470 राडू कांची और खरकई किस नदी की सहायक नदियां है? तो इस क्वेश्चन का होता है स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां है। तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? राडू कांची और खरकई। क्वेश्चन नंबर 470 किस नदी कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है? इस क्वेश्चन का होता है यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची जिले के नगड़ी गांव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 472 बराकर नदी कहाँ से निकलती है? इस क्वेश्चन का छोटा नागपुर पठार से निकलती है बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 470 दक्षिण कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का कारो नदी दक्षिण कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 470 औरंग और अमानत नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है औरंग और अमानत नदी। क्वेश्चन नंबर 470 किस नदी को निरंजना या अंत सलीला या लीला जना का भी कहते हैं? किस नदी को निरंजना या अंत सलीला या लीला जना भी कहते हैं? इस क्वेश्चन के फल्गु नदी को निरंजना या अंत सलीला या लीला जना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 किस नदी की प्रमुख सहायक नदी दर्धा और मोरहर है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पुनपुन नदी की सहायक प्रमुख सहायक नदी दर्धा और मोरहर है। क्वेश्चन नंबर 477 पुनपुन नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का किकट नदी और कहीं कहीं बमागधी भी कहा जाता है पुनपुन नदी को। क्वेश्चन नंबर 478 सदनी जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? इसके गुमला में सदनी जलप्रपात झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 479 150 फीट ऊंचा जोनहा जलप्रपात किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का स्वर्ण रेखा नदी पर है 150 फीट ऊंचा जोनहा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 480 हिरणी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर पूर्वी सिंहभूम जिले में है हिरणी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 481 सबसे गर्म जल कुंड सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का उत्तर हजारीबाग जिले में सूरज कुंड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 482 स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का 470 किलोमीटर है स्वर्णरेखा नदी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 483 चांडिल में जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर स्वर्णरेखा नदी पर है चांडिल जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 484 झारखंड में तोपचाची झील कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर धनबाद में है झारखंड में तोपचाची झील। क्वेश्चन नंबर 482 झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पे बुढ़ा गाग जलप्रपात पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 440 हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का उत्तर 322 फीट है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 487 गुमरो और इरो नदी किस नदी की सहायक नदियाँ है? इस क्वेश्चन के ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ है गुमरो और इरो नदी। क्वेश्चन नंबर 488 कौन सी नदी राजमहल के पहाड़ी से निकलती है और झारखंड की सीमा को पार कर गंगा में मिल जाती है? इस क्वेश्चन का उत्तर गुमनी नदी। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सी नदी का उद्गम स्थल सरगुजा है? इस क्वेश्चन कन्हर नदी का उद्गम स्थल सरगुजा है। क्वेश्चन नंबर 490 कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ चिझोई माइला झनुमिया खिरा चाको सलाही और पाटन है?
इस कृषि अमानत नदी की सहायक नदियाँ जिजोइन, माइला, जमुन, जनुमिया, खीरा, चाको, सलाई और पाटन है। क्वेश्चन नंबर 491, ढाल भूम की समस्त जनता ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर, जगन्नाथ ढाल के विद्रोह में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 492, मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके शरद चंद्र राय लेखक है, मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 493, पारसनाथ कृति के लेखक कौन है? इम्तियाज गदर है पारसनाथ कृति के लेखक। क्वेश्चन नंबर 494, द इंट्रोडक्शन ऑफ नागपुरी लैंग्वेज लेखक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का योगेंद्र नाथ तिवारी है, द इंट्रोडक्शन ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 495, नागवंशावली ऐतिहासिक कृति के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का बेनी राम राम मेहता लेखक है, नागवंशावली ऐतिहासिक कृति के लेखक। क्वेश्चन नंबर 490, वंशावली दुर्गा सप्तशती और बरहामासा विवाह परिचन आदि किसकी प्रमुख रचनाएं है? इस क्वेश्चन का महाकवि घासीराम की प्रमुख रचना है, वंशावली, दुर्गा सप्तशती, बरहामासा, विवाह परिचन आदि। क्वेश्चन नंबर 497, महाकवि घासीराम किसके दरबारी कवि थे? इस क्वेश्चन का रातु महाराज के दरबारी कवि थे महाकवि घासीराम। क्वेश्चन नंबर 498, नागपुरी साहित्य के महान कवि घासीराम महली का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का रांची जिला में चान्हो प्रखंड के करकट गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? करकट गांव में हुआ था। तो महाकवि घासीराम किस भाषा के कवि थे? तो नागपुरी साहित्य भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 499, रघुनाथ शाह किस भाषा के कवि थे? क्वेश्चन कहते हैं नागपुरी भाषा के कवि थे रघुनाथ शाह और नागवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 500, संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संथाली भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन ऑल चिकी कहते हैं संथाली भाषा की लिपि को। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों हो सके तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो तब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके या सब डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार आप चेक कर लेना ताकि जो भी अपडेट हो करेक्शन आपको मिल जाएगा। ये कोई हो सकता है हमारे से कोई गलती हो गई हो, कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कृपया एक बार पूरे 500 क्वेश्चन है, हो सकता है कोई पे कोई अपडेट हो तो कृपया आप पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जाके आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे जिसमें आपको डाउट हो तो क्वेश्चन लिखिए और आपका अपना आंसर लिखिए ताकि हमको भी थोड़ा हेल्प होगा। अब कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी कोई हेल्प होगा, उनका भी कोई एग्जाम में कोई लॉस ना हो। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन का नंबर लिखिए और पूरा क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर लिखिए, आपने जहाँ पर पढ़ा हो बुक्स पर, तो मैं एक बार चेक करके वो अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।